बच्चे वास्तव में जिस प्यार के साथ मिलती है उसी प्यार के साथ आप लोग भी इनसे मिलते हैं। और ये दो तरफा प्रेम ही इतिहास रचता है। जब भी बुलाया जाता है, जब भी बुलाया जाता है आपको निवेदन के साथ, तब आप आकर के इतनी संख्या में भीड़ लगा के इतिहास रचने का काम करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री से आसन ग्रहण करें। अच्छा, सकरा की ग्राम प्रधान राजकुमारी मौर्या जी, जो सकरा ग्राम प्रधान है, आप गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और दिलीप कुमार मौर्य जी भी साथ में है, तो ये गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अभिनंदन है, स्वागत है। और शिवरी ग्राम प्रधान अंजलि राजपूत जी, पति राम नरेश राजपूत जी, आप लोग भी गुलदस्ता देकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत। आप लोग सीधे हो जाइए ना, सीधे हो जाइए, ये पूरी पब्लिक देख रही है। अगर एक बार ताली बजाइए आप लोग, जोरदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पुरैना ग्राम प्रधान, अच्छा आप जब सत्य कर लिया जाए, कहने का मतलब ये है आप लोगों के स्नेह के लिए आप सबको बारंबार बधाई, बारंबार प्रणाम, बारंबार स्वागत अभिनंदन। अपने माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए आपकी बेटी यहाँ उपस्थित है। अपनी बहनों का स्नेह प्राप्त करने के लिए आपकी बेटी यहाँ उपस्थित है। अपने भाइयों का प्यार पाने के लिए आपकी बेटी यहाँ उपस्थित है। माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर, भाइयों के स्नेह के साथ, जो सेवा का संकल्प लेकर, सेवा का व्रत लेकर आपके बीच में उपस्थित होने वाली आपकी बेटी आपके बीच में है। अभिनंदन, स्वागत और वंदन। इस ऐतिहासिक घुरघुरी तालाब के शिलान्यास का अवसर है। सैकड़ों वर्षों से ये ताल आपके क्षेत्र का गौरव, आपके क्षेत्र के समृद्धि का कहानी कहता रहा, लेकिन जब ये बुरी स्थिति में है, इसकी सुध लेने के लिए आपकी बेटी आपकी बहन ने वादा किया था, और आज वो वादा पूरा होने जा रहा है। विपरीत में वादा पूरा होने जा रहा है, और इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, ये स्वयं आएंगे तो बताएंगे कितनी लड़ाइयों के बाद ये बड़ा कार्य आप सबके बीच में कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो सीधे सीधे मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच दीपक जी, दीपक त्रिपाठी जी और मोहिनी जी उपस्थित हैं, तो ये लोग अभी एक दो गीत प्रस्तुत करेंगे। अभी प्राचीन शिव मंदिर में पूजन, उसके बाद शिलान्यास, उसके बाद वृक्षारोपण, उसके बाद दीपदान, उसके बाद ये आरती, और उसके बाद आप सबसे मुखातिब होने के ये लगातार सभी कार्यक्रम बारी बारी से प्रस्तुत होंगे, बारी बारी से उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। तब तक दीपक त्रिपाठी जी आप सबके बीच में। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबकी लाडली, इस देश की बेटी, आप सबके घर की बेटी माननीय मंत्री जी उपस्थित हुई हैं। मैं आदरणीय स्वाति जी के लिए चार शब्द में रख रहा हूँ गोगरी तालाब की जनता की तरफ से एक स्वागत गीत चार शब्दों में। माननीय मंत्री जी के लिए दो शब्द मैं रख रहा हूँ। अब आप सभी लोग ताली बजा के माननीय मंत्री जी का अपना आशीर्वाद प्रदान करें, दोनों हाथ उठा करके। किरौरे अहिला सचियरा में, अरे हिलोरे हो गई। हमारे माननीय मंत्री में उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ, सारी जो समस्त जनता मातृशक्ति अपने बेटी कैसे स्वागत करी इस पावन, उनका उद्गार में व्यक्त कर रहा हूँ अपने सुमन से। किरौरे अहिला सचियरा में, हिलोरे हो गई। मंत्री जी के लिए कि अब ही रह निहा अंधरिया, अब अजोर हो गई। अब ही रह निहा अंधरिया, अब अजोर हो गई। हिलोरे अहिला सचियरा में, हिलोरे अहिला सचियरा में, हिलोरे हो गई। अब ही रह निहा अंधरिया, अब अजोर हो गई। फिर
मेरा आग्रह है कि ये भजन संध्या आप सभी लोगों के लिए रखा गया, मैं आपके घर की बेटी हूँ, जब कहेंगे तब फोटो खिंचवा लूंगी। लेकिन आज जिस प्रांगण में हम हैं, गुड़गुड़ी के तालाब में माता सीता ने यहाँ अपने पैरों को धोया है, इसलिए यहाँ पर इतनी माता सीता बैठी हुई है। तो इसलिए मेरी इच्छा है, मेरा आग्रह भी है कि पहले हम थोड़ा सा भगवान से जुड़े, बहुत अच्छा लगे। और माननीय मंत्री जी के लिए कि रौरा कितना नी मन पानी जैसे गंगा जी के पानी, कितना नी मन पानी जैसे गंगा जी के पानी, रौरे नहीं हम सबे सुना बोले वो कही अपने कि रौरे हमारे माननीय मंत्री इस क्षेत्र के लिए, इस लखनऊ के लिए क्या सोचते हैं कि हरियाणा गजियाबाद गाजीपुर बनेगा, कि हरियाणा गजियाबाद गाजीपुर बनेगा। अरे मंत्री स्वाती जी का लखनऊ सिंगापुर बनेगा, मंत्री स्वाती जी का लखनऊ सिंगापुर बनेगा, मंत्री स्वाती जी का लखनऊ सिंगापुर बनेगा, मंत्री स्वाती जी का लखनऊ सिंगापुर हरियाणा का जियाबाद का जयपुर बनेगा, हरियाणा का जियाबाद का जयपुर बनेगा, सिंगापुर बनेगा, लखनऊ सिंगापुर बनेगा। अरे सही तो का सपना साकार होई बबुआ, अरे सही तो का सपना साकार होई बबुआ, कि पंप चूह की बाजार जौनपुर बनेगा, मंत्री स्वाति सिंगापुर बनेगा, आप सबसे निरंतर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मात्र शक्ति हमारे स्वाति जी को मिलता रहे। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी का माँ से बहुत लगाव है, मात्र शक्ति उपस्थित हुए, एक माँ को मैं समर्पित गीत कर रहा हूँ, उसके बाद मोहिनी जी गाएंगे, उनमें अगला कार्यक्रम होगा। मात्र शक्ति अपने माँ को समर्पण एक गीत जन्म देने वाली माँ के लिए। कहते हैं भैया की माँ माँ होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ सूर्य नहीं होता। कहते आप चार धाम यात्रा कराइए, जिस घर में अपनी माँ और पिता का सम्मान नहीं होता, वहां देवी देवता मोटी आंख से भी नहीं देखते। इसलिए सदा आप सब अपने माँ और पिता का सदा सम्मान करें, उस माँ के लिए समर्पित कर रहा हूँ ये गीत। आप कि मांगिया चल में अमृत की धारा, कि जिससे पलता है संसार सारा, कि उड़ी माता से कोई न होगा तेरा मंत्र कोई, यही है कि सच यही है कि सारे जहाँ में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और जन्म देने वाले माँ के लिए समर्पित कहना कहूंगा, माई दुधवा जैसन दूसर मिठाई न मिली, माई दुधवा जैसन दूसर मिठाई न मिली, तो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिली, तो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिली, माई दुधवा जैसन, माई दुधवा जैसन दूसर मिठाई न मिली, तो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिली, तो सब कुछ मिल जाए।
ऐसे घर के पर के होई लेके पेट में होगा सबको आपके नाश्ता का आपके पास दिया जा रहा है, उसका वितरण हो रहा है, पानी सबको दिया जा रहा है, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहे, सब लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी, सारे लोगों तक पहुंचेंगे, इसलिए कहीं किसी को कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं है, सब तक लोग पहुंचेंगे, सबको वितरित करेंगे, सबको बांट देंगे, सबके लिए भरपूर व्यवस्था है। और अभी जो माननीय मंत्री जी के पीछे भीड़ चल रही है, वो कृपया सावधान रहे, सीढ़ियां
टूटी हुई है, पैर में मोच आएगा, स्लिप करेंगे, गिर जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वहां दीपक सजाया जा रहा है सीढ़ियों पर दीप दान के लिए, और दीपक सजाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। आरती करने की व्यवस्था भी हो रही है, नहीं आरती करने की व्यवस्था पीछे हो रही है, उसके लिए भी टीम लगी है। हेलो दीपक भैया, और आइए सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माँ न मिली, मात माँ होती कोई व्यक्ति अपनी माँ सूर्य नहीं हो सकता। इसी श्रृंखला में भजन लेके और माँ का गीत लेके आ रही है मोहिनी द्विवेदी जी। आप सब जोरदार ताली बजाकर मोहिनी जी का स्वागत करें। आप कुछ क्षण में माननीय मंत्री जी अपने उद्बोधन में, बहुत सारे कार्यक्रम है आज, ऐतिहासिक कार्यक्रम इस मंच से आपको देखने और सुनने को मिलेगा। आज इस इतिहास का, ऐतिहासिक पल का आप सब साक्षी बनेंगे, इस गौरव का पल का। माननीय मंत्री जी आज इसका शिलान्यास करेंगे, बहुत सारी योजनाओं का। आइए मोहिनी जी, हम सभी के बीच लारी का एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप हमारी माननीय मंत्री जी विराजमान है। चाहूंगी एक बार जोरदार ताली हो जाए मंत्री जी, और देखिए वो सब आप ही सबके लिए वो उपस्थित हैं। तो इतनी भीड़ हेलो हेलो हेलो, अभी माननीय सुनील रावत जी ब्लॉक प्रमुख, माननीय संजय रावत जी, माननीय रज्जनलाल रावत जी, माननीय आशीष शुक्ला जी, आशू शुक्ला जी, विनोद मौर्य जी, माननीय सुभाष पासी जी, माननीय शिव भगत सिंह जी मंडल अध्यक्ष, माननीय राम नरेश राजपूत जी महामंत्री, माननीय सुशील रावत जी अध्यक्ष, माननीय संदीप जी मीडिया प्रभारी, माननीय विशाल रावत जी महामंत्री, माननीय प्रेमचंद रावत जी पीडीसी, माननीय रामविलास रावत जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, माननीय दल बहादुर सिंह जी, माननीय तेज नारायण दीक्षित जी, माननीय संतोष रावत जी पीडीसी, माननीय दीपक रावत जी पीडीसी, माननीय अर्जुन सिंह यादव जी, आप समस्त लोगों की उपस्थिति और हम समाज जी से और आशु भाई से निवेदन करके जितने पदाधिकारी हमारे अमरदीप शर्मा जी तुरा पिंटू लोही जी, इब्राहिम शक्ति केंद्र में बूथ अध्यक्ष राम पाल लोही, बूथ अध्यक्ष दीनदयाल जी, बूथ अध्यक्ष बाबूलाल जी, बूथ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी, बूथ अध्यक्ष ऋषभ सिंह जी, स्वागत करते हैं। और बच्चूलाल रावत जी, गोविंद सिंह जी हरोनी, और खुशालगंज से मौजूदा प्रधान खान जी, आपकी कृपा में उपस्थिति हम अभिनंदन करते हैं। प्रधान जी स्वागत है, आप बहुत देर से आए हैं और बहुत देर से आप इस व्यवस्था में लगे हैं। प्रधान जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ पहले। तो मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी पदाधिकारी यहाँ जिम्मेदारियों के साथ विरोध भैया है और रमेश यादव और रोहन भाई, सारे लोगों से ये सुनिश्चित कर लीजिए कितने हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, तो सबका नाम हमको दे दीजिए, मैं बोलने के लिए बस सबका नाम, बात होगा तीन बार, उतनी बार आपको कहेंगे उतनी बार बोल दूंगा, क्योंकि ये
हमारे जो कार्यकर्ता है वो हमारी ताकत है, वो हमारी हिम्मत है, लड़ाई वही लड़ते हैं। और आज इस मंच से अपने कार्यकर्ताओं का हमने अभिनंदन सम्मान किया है, चाहे कोई दो दिनों से जाने रमजान खान साहब को यहाँ के प्रभाग है, हमार खान साहब उनके अपने है और भूतपुर है, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए अभी महादेव की पूजा करते हैं, माता मंत्री जी बैठे रामविलास रावत जी को और हमको याद भी रहेगा एक बार फिर से बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसी मंदिर पर माननीय मंत्री जी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए गए। आगे स्वर्ग से पति पुत्र सहिता को उसी स्वर्ग भाग में बैठा दिया है, ये प्रमाण है। जगह हिंद समय से धरती का इसकी आत्मा को तेरे के अंदर विद्यमान है, प्रेम का भूत भूत रात के अंदर प्रसन्न करिया को मिला रहे के साथ है, क्षत्रिय पर्यटन अधिकारी श्रीमान अनुपम श्रीवास्तव जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे अलग पुरुष स्वयं हो गए भगवान शिव है, निकल
पीछे क्या है
अमरजीत सिंह जी इनका, दीपांशु दीक्षित हेमंत इनका और लक्ष्य सिंह जी इनका, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत है। आइए बोलने दे और मंच खाली करें। अभी मंच पे कोई कार्यक्रम नहीं, कृपया मंच खाली करें। अभी मंच पे कुछ नहीं हो रहा, मंच पे कोई कार्यक्रम नहीं है। मंच पर केवल बीज प्रज्वलन का कार्यक्रम है। इन तस्वीरों पर सुभाष जी, इन तस्वीरों पर माला अर्पण करवाइए। माला वहां से मंगवा लीजिए और माला भैया दिनेश भैया क्या उधर चलो किनारे आपकी बेटी ने आज इतिहास रचने का काम किया। शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठेंगे, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आपकी बेटी है जिनको आप प्यार से स्वाति कहते हैं, आपकी बहन है जिनको आप स्वाति दीदी कहते हैं। छोटी बच्चियां हमारी बहनें स्वाति दीदी कहती हैं और हमारी अम्मा हमारी माताएं अपनी बेटी कहती। और ऐसे ऐसे प्यार मिलता है, ऐसे ऐसे स्नेह मिलता है कि आंख से आंसू आ जाते हैं। पब्लिक में जब हम घूमते हैं, माताएं अपने गोद में अपने बाहों में भर लेती हैं और आंख से आंसू आ जाता है दृश्य देख करके, इतना प्यार इतना स्नेह है। तो आज आपकी बेटी ने इतिहास रचा है और 1,57,00,000 रुपया इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए माननीय मंत्री जी ने सरकार से लिया है। प्रधान जी, प्रधान जी, ए प्रधान जी, प्रणाम, बैठे बैठे। अभी अभी मंत्री से हम आपको मिलवा देंगे और यहाँ नहीं वहां बैठे, वहां साइड में थोड़ा हो जाए। प्रधान जी आपको तो कौन नहीं जानता, यहाँ तो बच्चा बच्चा आपको जानता है। प्रधान जी क्या बात, बच्चे आगे है। 1,57,00,000 रुपया, 1.5 करोड़ से भी अधिक पैसा सरकार से माननीय मंत्री जी ने आपके इस तालाब के लिए ला करके और सौंदर्यीकरण के लिए दे दिया है। 1.5 करोड़ रुपए में इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। एक बड़ा काम इस क्षेत्र का, ये इस क्षेत्र का एक बड़ा काम। और अभी जब ये सुंदर हो जाएगा तालाब, ये कितना अच्छा पर्यटन स्थल हो जाएगा। अभी जब 1 जनवरी आ रहा है, नया साल, नया साल आओ तनु, तो जो नया साल आ रहा है, ये जब सुंदर बन जाएगा अगले साल, इसमें नाव चलेगी, इसमें हम सब परिवार आकर के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसी में नौका विहार करेंगे यहाँ के लोग। हम लोग भी आ जाएंगे, उसमें मोटर वाली नाव चलाएंगे और इसमें कमल के फूल रहेंगे, इसमें सब खूब सुंदर, इसमें पानी भरा रहेगा। अगल बगल और भी कुछ हम लोग प्रयास करेंगे कि अगल बगल ये जगह में और कुछ बनाया जाए, कुछ और आपको झूला वगैरह लगवा दिया जाएगा, सुंदर पार्क बना दिया जाएगा, ये तालाब के किनारे सुंदरीकरण होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आएंगे। आप अपने ही क्षेत्र में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इतना सुंदर इसको बनाया जाए। पर्यटन को भी बढ़ावा है और इसके साथ रोजगार भी मिलेगा। कितने लोग, मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं पर अपना एक दुकान खोलूंगा, कितना चलेगा बताइए। जब पूरा ये 50 गांव के लोग जब यहाँ पर्यटन मनाने आएंगे, बोटिंग करने आएंगे, खाली वो हमारे दुकान लगे और उनके दुकान ना लाके दे हम, तो कितना अच्छा लगेगा। मेरा दुकान, मेरा सारा सामान बिक जाया करेगा तुरंत फट से। और मैं फिर तो मैं अभी अभी मैं बाइक से चलता हूँ, मैं 4-व्हीलर से चलूंगा 3 महीने बाद। उसके बाद कहूंगा कि ये 4-व्हीलर किसके वजह से, माननीय मंत्री जी की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुंदरीकरण करा दिया, यहाँ लोग आने लगे, मैंने दुकान खोल दिया, ये दुकान चलने लगा, मैं 2-व्हीलर से 4-व्हीलर पे आ गया। तो ये सब संभव है। ये अभी ये जब इसका सुंदरीकरण हो जाएगा तो ये सब सारा काम हो जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, व्यवस्थाएं भी होंगी, आपका क्षेत्र सुंदर हो जाएगा। ये सब माननीय मंत्री जी के लिए होगा। तो अगर इतना होगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे और आशीर्वाद देंगे। किसको आप लोग, किसको आशीर्वाद देंगे? मंत्री जी को जरा आशीर्वाद दीजिए, जरा देखिए हम कैसे आशीर्वाद आप लोग देते हैं। इतना आशीर्वाद हमके मिल जाए तो हम तुरंत, कभी कभी मंत्री से हमको जलन होती है कि आपको इतना स्नेह लोग करते हैं, हमको कोई नहीं करता, हमको भी कर एक बार हमारे लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं जो निवेदन करता हूँ आप लोग मान लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की, बोले बजरंग बली की, अपने अपने घर द्वार की, घर द्वार का जय बोलना है। आइए चलिए, आप सबको प्रणाम। आइए मोहिनी आप सबके बीच है, एक बार इनके लिए भी आप लोगों ने ताली बजाई, आप सब इनको बहुत स्नेह करते हैं, एक बार और आशीर्वाद दीजिए। आइए आपके बीच मोहिनी द्विवेदी,
सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम करूंगी। उनका देखिए आप सबसे कितना लगाव है कि वो कैसे इतनी नॉर्मल तरीके से आप सबके बीच में बैठी है, घूम रही है। उनका बड़ा ही फेवरेट गाना है माँ के ऊपर, वो खुद मातृशक्ति है, इसलिए मैं चाहूंगी एक प्यारा सा गीत आप सभी के बीच। सब अपनी मैया से प्रेम करते हैं, चाहूंगी थोड़ा सा समय, बहुत ही प्यारा सा गीत है। सब अपनी मैया से प्रेम करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि बचपन में प्रेम तो सब करते हैं, बड़े होने पे प्रेम बंट जाता है, और वो याद तब आता है जब हमारी मैया हमको छोड़ के चली जाती है। तो उन सबके लिए ये कहना, ये देखिए मैं ये सिर्फ गा नहीं रही हूँ, ये सही बात है, और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत प्यारी सी रचना आप सबसे। ओ किस्मत वाले बच्चों तो माँ से दूर न हो जाना, अकेला छोड़ मुझे माँ, तब मैंने पहचाना। जब हमारी मैया छोड़ के चली जाती है तब कैसे, खुद रोती, खुद रोती रहती थी मुझको, हंसना सिखाया करती थी। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करती थी। बच्चों तुम से दूर न हो जाना, तेरा छोड़ मुझे अब मेरी पहचाना। खुद रोती, खुद रोती रहती थी मुझको, हंसना सिखाया करती थी। कृष्ण कन्हैया लल्ला कह के बाहों में झुलाया करती थी। हम लोग नहीं बचपनी में, जब सबका बचपना होता है, बचपने में इतनी शरारत करते हैं, और ये जेन्युइन है कि सब अपने पापा से डरते हैं, सब अपने पापा से डरते हैं ना, पापा का नाम लेके तो भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मैया सारी गलतियों को अपने ऊपर ले लेगी, और कैसे पापा जी का गुस्सा मेरी मां को सहना पड़ता बच्चों से कभी खपा नहीं,
जो जो अपने माँ से प्रेम करते हैं पर हाथ उठा के ताली बजा के कैसे गाएंगे मेरे साथ? आप सब ये गाना सबका सुना हुआ है ना, सबका सुना है ना? एक बार आप सब मेरे साथ गाएंगे, देखिए अभी आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा गाया है। एक बार मैं गाऊंगी, एक बार आप लोग। अच्छा इतना तेज गाते हैं आप लोग। उसको तो जब हमेशा कहना ही है, मैं तो आपके ऊपर एक तरह से कहिए कि छोड़ दिया था गा लो थोड़ी देर। ताली बजाइए एक बार जोरदार इनके लिए, बहुत अच्छा गीत इन्होंने गाया है। और ये जो गीत है ये माँ को समर्पित है, हर वो माँ को जो अपने बच्चे के हित के लिए सोचती है। और इस धरती की माँ नाराज रहे या खुश रहे, किसी स्थिति में बच्चे के हित के लिए ही सोचती है, अहित के लिए नहीं सोचती। अपने बच्चों के सारे गुनाहों को धो देती है और बहुत गुस्से में आती है माँ तो रो देती है, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ कहती नहीं है। एक यात्रा कराता हूं कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके अमृत के एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। अभी नहीं, समय से पहले जो समर्थन देते हैं जमानत वही जब्त कराते हैं, इसलिए समर्थन जो मेरा आप कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता मेरी जमानत यहाँ जब्त हो, तो समय पर दीजिए, मैं बताऊंगा, मैं जब बोलूंगा उसी समय पता लग जाएगा कब समर्थन देना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।